वेलकम टू निबेंड नॉब स्टूडेंट्स, और आज हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि हम वो क्वेश्चन कवर कर पाएँ जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में 4 मार्क्स के भी आ सकते हैं। तो जैसे कि तुम देख ही रहे हो, ये क्वेश्चन ये एक इंडक्शन का क्वेश्चन है जो कि 11वीं क्लास में तुम कर चुके हो पिछली क्लास में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट इफ ए मैट्रिक्स, एक 2x2 मैट्रिक्स दी हुई है 11-25, 4-9, देन ए पावर एन इज 1+10n -25n। ये अच्छी तरह शायद दिख नहीं रहा होगा, -25n है ये, 4n 1-10n। तो जिस तरह से हम 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, हम बिल्कुल वही मेथड यहाँ पे भी लेंगे। तो सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन है वो लिखें। क्या है गिवन? गिवन है हमें मैट्रिक्स ए 11-25, 4-9। ये हमें गिवन है। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है? ये स्टेटमेंट जो प्रूव करनी है हमको। तो जिस तरह हम प्लस वन में उसको एक स्टेटमेंट मान के चलते थे, यहाँ पे भी हम इसको पी ऑफ एन मान के चलेंगे। पी ऑफ एन का क्या मतलब है? पी डिनोट करता है स्टेटमेंट को, और ब्रैकेट में जो एन लिखा है मैंने, उसका मीनिंग है कि वो स्टेटमेंट एन पर डिपेंड करती है। एन क्या है यहाँ पर? एनी नेचुरल नंबर। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ए पावर एन इज इक्वल टू 1+10n -25n 4n 1-10n। ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी है। तो इंडक्शन का मेथड क्या कहता है? इंडक्शन का मेथड में कहता है कि पहले n को 1 पुट करो। तो हम लिख रहे हैं पुट n इज इक्वल टू 1। तो कहाँ पर? pn में ऑब्वियसली। तो a पावर 1 इज इक्वल टू, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 1+10 -25 4 1-10। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई? 11-25, 4-9। ये बन गई हमारी मैट्रिक्स। तो अब देखो, जो हमें गिवन है ए, वो यही मैट्रिक्स है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, इट इम्प्लाइज ए पावर 1 इज इक्वल टू ए। अब ए पावर 1 जो होती है वो ए के ही बराबर होती है, यानी कि हमारे पास एक ट्रू रिजल्ट आ गया है। तो हम लिखेंगे विच इज ट्रू। तो हम अब ये मान के चलेंगे कि हमने 2 पुट किया तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 3 पुट किया तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, जैसा कि हम इंडक्शन के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो हम लास्ट में हम ये मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट के तक हमारी ट्रू है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड को, क्योंकि तुम सब ये मेथड प्लस वन में कर चुके हो। तो हम यहाँ भी लिखेंगे देयरफॉर पी ऑफ एन, यानी हमारी ये स्टेटमेंट जो है पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। और अब हमने मान के चलना है कि लेट पी ऑफ एन बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू k। मान लो ये k तक ट्रू है। अब अगर ये k तक ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम n की जगह k पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो ट्रू होगी। तो हमें क्या मिला? देयरफॉर a पावर k इज इक्वल टू 1+10k -25k 4k 1-10k। अब इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं शॉर्टकट में कि भाई n की जगह k पुट करना है। लेकिन n की जगह k पुट करना है क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 के लिए तो हमने देख लिया ट्रू है, 2 के लिए भी हम साबित कर सकते हैं इसको कि ट्रू है, 3 के लिए भी, और करते करते हम k तक पहुंच गए कि मान लो k तक ट्रू है। तो k तक अगर ट्रू है तो n की जगह अगर हम k पुट करेंगे तो हमारे पास जो
स्टेटमेंट आएगी, यानी कि ए की पावर के जो बनेगी वो करेक्ट होगी, तो इसलिए हम के में कन्वर्ट करते हैं एन को। तो ये ए पावर के जो आ गया ये करेक्ट है। तो अब सोचो इंडक्शन के लिए हम क्या करते होते हैं, इसके बाद इंडक्शन के क्वेश्चन में इसके बाद हम क्या करते थे, हम के प्लस वन के लिए सॉल्व करके देखते थे। तो अब हमारा नया स्टेप होगा, नाउ ए पावर के प्लस वन इज इक्वल टू, और वो होगा ए पावर के इंटू ए इंटू ए पावर वन। हम जानते हैं कि ए पावर के प्लस वन को हम इस तरह से ब्रेकअप करके लिख सकते हैं। तो अब ए पावर के लिखो, पहले तो वन प्लस टेन के माइनस ट्वेंटी फाइव के फोर के वन माइनस टेन के, और अब हम ए पावर वन लिखेंगे। ए पावर वन कहाँ से लिखेंगे हम, देखो ए पावर वन हम यहाँ पे देख चुके हैं ए के बराबर, तो ये मैं लिख रहा हूँ इलेवन माइनस ट्वेंटी फाइव फोर माइनस नाइन, ये हमने दोनों मैट्रिसेस लिख ली। तो अब हम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ए पावर के प्लस वन कितना बनेगा, देखो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, वन इंटू इलेवन इलेवन प्लस टेन इन टेन के इंटू इलेवन वन हंड्रेड टेन के, और फिर फोर जब मल्टीप्लाई होगा इससे ट्वेंटी फाइव के से तो माइनस हंड्रेड के। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है तो माइनस ट्वेंटी फाइव, फिर माइनस ये वन के साथ माइनस ट्वेंटी फाइव हो गया, और टेन के साथ भी ऐसे ही होगा, देखो माइनस टू फिफ्टी के, उसके बाद ये माइनस ट्वेंटी फाइव के माइनस नाइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा टू ट्वेंटी फाइव के। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर इंटू इलेवन, फोर इंटू इलेवन कितना हो जाएगा 44, तो 44 के, और साथ में सेकंड एलिमेंट यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा प्लस 4 माइनस 40 के। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस 100 के माइनस 9 प्लस 90 के, ये देख लो, ध्यान से देख लो, इसको समझ लो। मैंने इस एलिमेंट को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 से ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 11 और 110 के। फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 100 के आया, जो कि मैंने इसी में ऐड करना था। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह मैंने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये क्या बन रहा है, देखो ये कितना टोटल होके आया 11 प्लस 10 के, ये बन गया हमारे पास। ये कितना बन जाएगा, देखो माइनस 25 और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे माइनस 25 के। फिर ये क्या बन जाएगा 44 के माइनस 4 के मींस 4 के प्लस 4, और फिर ये क्या बन जाएगा माइनस नाइन तो अलग था ही, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे माइनस टेन के। अब हमने इसे प्रूव करना है कि ये के प्लस वन आ जाए यहाँ पे, किसकी जगह, यहाँ पे एन की जगह हमारे पास यहाँ के प्लस वन आ जाए। तो हमें पहले ये देखना होगा कि यहाँ पे के की जगह के प्लस वन अगर लेके आना है तो हमें वन प्लस की फॉर्म में इसे बनाना पड़ेगा और इसे 1 माइनस 10 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो 1 प्लस बनाने के लिए कोई खास मुश्किल नहीं है, 11 को हम लिख देते हैं 1 प्लस 10 प्लस 10 के, ये प्लस 10 के तो पहले से ही था, 11 को लिखा 1 प्लस 10, इसमें से माइनस 25 अगर कॉमन ले लो तो के प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां से अगर 4 कॉमन ले लो तो के प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या बनाना है, इस एलिमेंट को 1 माइनस 10, तो 1 माइनस 10 कैसे बन सकता है, देखो हम 9 को लिख लेते हैं 1 माइनस 10 लिख सकते हैं भाई, हम 9 को 1 माइनस 10 और माइनस 10 के पहले से ही मौजूद है। तो अब हमारे पास आ गया 1 प्लस
10 कॉमन के प्लस 1, देखो 10 यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे तो पहले से ही -25 कॉमन होके के प्लस 1 बन गया था, और ये वाला एलिमेंट भी के प्लस 1 आ गया था n की जगह। यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 10, अब 10 माइनस 10 कॉमन ले लिया तो फिर ब्रैकेट में के प्लस 1 आ गया। तो अब देखो हमारा यहाँ a पावर k प्लस 1 कैलकुलेट में कर रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a पावर k प्लस 1, ये a पावर k प्लस 1 है, तो एक्चुअल में n की जगह k प्लस 1 हमें नज़र आने लग गया, यानी कि हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया। देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस a पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 10 n माइनस 25 n 4 n 1 माइनस 10 n फॉर एवरी n नेचुरल नंबर। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है इसी तरह इंडक्शन का। देखो इफ a इज इक्वल टू ए बी 01 प्रूव दैट a पावर n इज दिस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है इंडक्शन वाला, और हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन a इज इक्वल टू ए बी 01, और हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है p ऑफ n, वो क्या है, a पावर n इज इक्वल टू ए एन बी a पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1, ये हमें बता रखा है। तो हमने इंडक्शन का मेथड लगाना है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पुट n इज इक्वल टू 1, तो a पावर 1 कितना हो गया, a b a माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। अब देखो ये a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, a b 0 1, देखो तो ये वही बन गया जो a मैट्रिक्स हमें दी हुई है। इसका मतलब पिछले क्वेश्चन की तरह ही आ गया, a पावर 1 इज इक्वल टू a, हम जानते हैं कि ट्रू है, विच इज ट्रू। देयरफॉर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही जैसे हम इंडक्शन को ट्रीट करते हैं। हमने क्या करना है, हमने कहना है लेट p ऑफ n बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू k, मान लो k तक ट्रू है। अब अगर k तक ट्रू है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विच इम्प्लाइज a पावर k इज इक्वल टू a पावर k b a पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी। और अब हम क्या करेंगे, नाउ a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर k इंटू a पावर 1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दो मैट्रिसेस को, a पावर k b a पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1, और a पावर 1 है a b 0 1, ये दो मैट्रिसेस अब हमने मल्टीप्लाई करनी है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगी a पावर k इंटू a, यानी a पावर k प्लस 1 हो गया, और ये वाला एलिमेंट जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो a पावर k इंटू b, a पावर k इंटू b ये पहला एलिमेंट बना, और ये सारा का सारा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस b a पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये एलिमेंट b से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस
ये एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया। अब सेकेंड रो पे आ जाते हैं, 0 और 0, फिर 0 1। तो ये दो एलिमेंट 0 1 हैं रहेंगे, ये n की जगह k प्लस 1 आ ही चुका है, बस हमें यहां पे देखना है कि क्या बनता है। तो a पावर k प्लस 1, यहां से b कॉमन ले लिया हमने, तो a पावर k ये प्लस a पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये बन गया 0 1। b मैंने यहां से कॉमन ले लिया। अब ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि यहां पे a माइनस 1 इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम हो जाएगा, तो a माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, a पावर k प्लस 1, b कॉमन है ही, a पावर k प्लस 1, देखो a इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस a पावर k प्लस a पावर k ये वाला माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, 0 1। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या बन गया, a पावर k क्या आ गया, 1 पावर k प्लस 1 इंप्लाइज a पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर k प्लस 1 b a पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। ये आ गया हमारे पास, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो a पावर k प्लस 1 माइनस 1 रह गया, और डिनोमिनेटर में तो a माइनस 1 था ही। तो अब इसे ध्यान से देखो, n की जगह k प्लस 1 आ गया है। मैं दोबारा तुम्हें दिखा देता हूँ वही जो गिवन मैट्रिक्स थी, देखो n n, यहाँ पे दो जगह n है और a पावर n है, और बिल्कुल ध्यान से देखना आप कि वहीं पे हमारे पास k प्लस 1 भी आ चुका है, ये k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, हमारे पास आ गया रिजल्ट, हम रिजल्ट बनाएंगे अब, देयरफोर p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो रिजल्ट आ गया, हैंस a पावर n इज इक्वल टू a पावर n b a पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, सीबीएसई के एग्जाम में तो आते ही रहते हैं, पंजाब बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड में भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में हैं क्वेश्चन, इस टाइप के हैं। तो जिस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में हैं वो तो एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं, तो हमको तैयारी रखनी चाहिए। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट से वैसे घबराने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम इसको समझ लेंगे। तो स्टेटमेंट है, 3 शॉपकीपर्स P, Q एंड R, 3 शॉपकीपर हैं, एक का नाम P, एक का नाम Q, एक का नाम R, गो टू अ स्टोर टू बाय स्टेशनरी। तीनों ने स्टेशनरी परचेज की, P ने परचेज किए 100 नोटबुक्स, 60 पेंस और 70 पेंसिल्स, Q ने परचेज किए 110 नोटबुक्स, 72 पेंस और 90 पेंसिल्स, R ने परचेज किए 120 नोटबुक्स, 50 पेंस एंड 80 पेंसिल्स। यहां तक तो बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि पी क्यू आर 3 शॉपकीपर्स हैं जिन्होंने इतनी इतनी इस डाटा के हिसाब से नोटबुक्स, पेंस और पेंसिल्स खरीदे। अब आगे करना क्या है, हमें आगे बताया कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ₹10, कॉस्ट ऑफ पेन इज 5 एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज 2। तो हमें तीनों चीजों की कॉस्ट बता दी। तो अब हमसे पूछा गया है कि अब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करें, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल्स बिल। वैसे तो ऐसा है कि तुम सब अब 12th क्लास में हो, तो अगर तुमको वैसे कहा जाए कि मैट्रिक्स यूज नहीं करनी तो तुम आसानी से कर दोगे, और मैट्रिक्स यूज करके भी बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे,
हम पहले डाटा लिखेंगे। शॉपकीपर पी, शॉपकीपर पी ने क्या क्या खरीदा है? 100 नोटबुक्स, कॉमा 60 पेन्स, कॉमा 70 पेंसिल्स। फिर शॉपकीपर क्यू ने क्या क्या खरीदा है? देखो, 110 नोटबुक्स, कॉमा 72 पेंस, कॉमा 90 पेंसिल्स। एक बात का ध्यान रखो हमेशा कि जो भी गिवन है वो तुमने आंसर शीट पे ज़रूर मेंशन करना है, और इसकी तैयारी भी तभी हो पाएगी जब तुम क्वेश्चन को उसी तरह अटेम्प्ट करोगे प्रैक्टिस में भी जैसा कि आंसर शीट पे चाहते हो। तो ये डाटा गिवन है, ये लिखना ही है तुमको। तो शॉपकीपर आर ने क्या क्या खरीदा है वो लिखते हैं हम। 120 नोटबुक्स, कॉमा 50 पेंस, कॉमा 80 पेंसिल्स। ये तो हमने डाटा नोट किया। अब कॉस्ट लिखते हैं हम। कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू रुपीज, कितना बता रखा है? 10। कॉस्ट ऑफ वन पेन वो है रुपीज 5। ये देखो 5। और लास्ट में कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल रुपीज 2। ये पेंसिल की कॉस्ट 2 है। तो अब इस डाटा को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये आर्टिकल्स खरीदे हैं उन्होंने, तो आर्टिकल मैट्रिक्स बना लेते हैं पहले। आर्टिकल मैट्रिक्स, कॉमा ए, मैट्रिक्स का नाम ए रख दिया मैंने। मैं कैसे बनाऊंगा? मैं बिल्कुल इसी तरह बनाऊंगा जैसे मैंने ये लिखा है, ये रोज और ये कॉलम्स। अगर तुम ये डाटा इसी तरह लिख लेते हो एक बार तो मैट्रिक्स भी ऐसे ही बनेगी, बहुत आसान है। 100, 60, 70, 110, 72, 90, 120, 50, 80। मैंने जिस तरह से डाटा को नोट किया था बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स बना दिया। देखो सिमिलरिटी तुम्हें नज़र आ रही होगी। रोज मैंने बनाई हैं शॉपकीपर्स की, और कॉलम्स बनाए हैं पेन नोटबुक पेन पेंसिल के। इसके बाद कॉस्ट मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स का नाम हम बी रख देते हैं, तो वो हम ऐसे बना देंगे 10, 5, 2। अब तुम कहोगे कि सर आपने ये तो चलो बना दी, 3x3 बननी थी, ये आपने 3x1 क्यों बनाई, 1x3 क्यों नहीं बनाई? उसका आंसर मैं आगे दूंगा। तो अब हम जब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास इंडिविजुअल का बिल आ जाएगा। तो बिल मैट्रिक्स क्या बनेगी? बिल मैट्रिक्स, कॉमा कैपिटल सी इज इक्वल टू ए इंटू बी। देखो मैं ए लिख रहा हूं, ये मैंने लिख ली आर्टिकल मैट्रिक्स ए और साथ में बी। अब यहां पे हो सकता है कि तुमको कंफ्यूजन हो जाए, तुम यहां पर गलती कर भी सकते हो कि 100, 60, 70 यहां लिख लिया, 110, 72, 90 यहां लिख लिया गलती से। तो यहां पे ये गलती किस तरह से तुमने अपनी ठीक करनी है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो तुम्हें ये तो पता है ना कि तुम इस सारा सामान जो खरीदा गया है उसका बिल बना रहे हो, तो ऑब्वियसली नोटबुक के कॉस्ट से नंबर ऑफ नोटबुक्स ही मल्टीप्लाई होनी चाहिए, पेन की कॉस्ट से नंबर ऑफ पेन मल्टीप्लाई होने चाहिए, और पेंसिल की कॉस्ट से नंबर ऑफ पेंसिल मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन देखो, 100 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 क्या थे? 100 नोटबुक्स थी, तो वो नोटबुक के ही
कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रही है। 60 क्या थे, 60 पेंस थे, तो 5 रुपीज़ का एक पेन है तो वही मल्टीप्लाई हो रहा है। और 70 क्या थे, पेंसिल्स, तो 70 पेंसिल की ही कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। और ऐसा तीनों रोज के साथ होगा, तो इसका मतलब हमारा जो ये मैट्रिक्स बनाई है और मल्टीप्लाई करेंगे हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, मान लो तुम ये देखो कि अगर हम इस तरह लिख लेते, 60 यहाँ लिख लेते, 70 यहाँ लिख लेते, तो 110 यहाँ आ जाता। मतलब ये कि हम अगर नोटबुक्स, पेंस, पेंसिल्स यहाँ कर लेते और पी क्यू आर यहाँ कर लेते, तो ये 110 किससे मल्टीप्लाई होता, 5 से। 110 तो नंबर ऑफ नोटबुक्स हैं और 5 है कॉस्ट पेन की, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होने ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से तुमको पता लग जाएगा कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि कुछ अंदाज़ा तुम्हें हो गया होगा। इस टाइप के और क्वेश्चंस अपनी बुक्स में देख के जब तुम सॉल्व करोगे तो क्लियर ही हो जाएगा। तो हम अब बिल की मैट्रिक्स बनाते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। देखो, हम पहले 110 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 प्लस 300 प्लस 140, फिर नेक्स्ट पे आ गए, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो तुमको इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई है कि मैं ऑर्डर की बात किए बगैर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 1100 प्लस 72 इंटू 5 कितना होगा, देखो 5 टू द 10 और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा कैरी ओवर, तो 360, 35 से 36 हो जाएगा वो, प्लस ये होगा 180। उसके बाद लास्ट रो बनेगी तो ये कितना, 1200 प्लस 15 टू 5 250 प्लस 160, तो हमारे पास ये कितना आ गया, देखो 1000 प्लस 300 1300, 1300 में 100 ऐड किया तो 1440। ये कितना बन जाएगा, 000, हमने 0 लिखा, फिर 8 प्लस 6, मैं वर्टिकली ऐड ना करके हॉरिजॉन्टली ऐड कर रहा हूँ, 8 प्लस 6 14 और यहाँ पे 0 है, तो 14 का 4 तो आ गया लेकिन 1 कैरी ओवर हो गया यहाँ पे, तो 2 और 3 5 और 1 ये हो गया 6 और ये 1 यहाँ पे फोर्थ जो इसका डिजिट था। फिर यहाँ पे वंस डिजिट 000, तो 0 आ गया। टेंथ डिजिट 6 प्लस 5 11 प्लस 0 11 ही रहेगा, तो 11 का 1 आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया इस 1 पे, तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 और ये हमारा 1000 डिजिट 1। तो ये हमारी बिल की मैट्रिक्स बन गई। तो देयरफॉर बिल ऑफ शॉपकीपर पी इज इक्वल टू रुपीज कितना, ये पहला वाला 1440, बिल ऑफ शॉपकीपर क्यू रुपीज 1640, बिल ऑफ शॉपकीपर आर इज इक्वल टू रुपीज 1610। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। और अब तुम्हें एडिशनल जो मेरी एक बोनस आइटम है असाइनमेंट, वो कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली इस जो ये क्लास का वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करो तो एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी और वो होगा तुम्हारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक्सरसाइज। और एक बात और बच्चों, ध्यान से सुन लो कि जो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हमने क्लासेस में किए हैं और जो तुम्हें मैंने असाइनमेंट्स में दिए हैं, वो सारे तुमने प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइप के, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कह रहा, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें जितने भी मिले प्रैक्टिस करो, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, बाय देन।